नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। मेजबान भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंतर्गत चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। शनिवार 6 फरवरी को इस मुकाबले का दूसरा दिन है। दूसरे दिन के खेल में इंग्लैंड की टीम ने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। आपको बता दें, दूसरे दिन 263 रनों से आगे खेलते हुए इंग्लैंड के लिए कप्तान जो रूट और फिर उनके धाकड़ ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। शुरुआत में सधे हुए अंदाज में दिन की शुरुआत की, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और लंच तक इंग्लैंड को कोई झटका लगने नहीं दिया था। इस दौरान जहां जो रूट ने अपने 150 रन पूरे किए थे, वहीं बेन स्टोक्स ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। खासतौर पर बेन स्टोक्स काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और स्पिनरों के खिलाफ बड़े शॉट्स भी लगा रहे थे। लंच के बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने अपने ताबड़तोड़ अंदाज को जारी रखा और 5 विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी भी कर डाली थी। दोनों के बीच साझेदारी काफी बड़ी हो रही थी, लेकिन पारी के 127वें ओवर में शहबाज नदीम ने टीम इंडिया को चौथी सफलता दिलाने का काम किया। जी हाँ, बेन स्टोक्स शहबाज नदीम की गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन बाउंड्री लाइन पर चेतेश्वर पुजारा के हाथों लपके गए। चेतेश्वर पुजारा ने भी शानदार अंदाज में गेंद को जज किया और बेन स्टोक्स की तूफानी पारी का अंत कर दिया। हालांकि बेन स्टोक्स एक शानदार शतक से जरूर चूक गए, लेकिन इंग्लैंड के लिए एक काफी महत्वपूर्ण पारी खेल गए। बेन स्टोक्स ने 118 गेंदों पर 82 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के लगाए। जो रूट और बेन स्टोक्स के बीच 5 विकेट के लिए 124 रनों की साझेदारी हुई। आपको बता दें, इंग्लैंड की टीम का तीसरा विकेट 263 के स्कोर पर गिरा था। अब चौथा विकेट पारी के 127वें ओवर में तब गिरा जब टीम का स्कोर 387 रन था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।